वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ गौरांगं जटिलं पूर्णं कारुण्यं कामदं प्रभुं जगद्गुरुमहं वंदे शांतानंद सरस्वती मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम् नमस्ते राम राजेन्द्र नमः सीता मनोरम नमस्ते दंड को दंड नमस्ते भक्तवत्सल ओम गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्मणे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् ओम महादेव्याय च विद्महे विष्णुपत्न्याय च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये ओम नमो नारायणाय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सबको जय श्री राम। आज हम आगे जाते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के स्वाध्याय से। पिछली बार प्रथम स्कंध समाप्त हुआ था, अब हम द्वितीय स्कंध से शुरू करते हैं। प्रथम स्कंध यहाँ पर समाप्त हुआ था कि राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से, जो श्री व्यास देव के पुत्र हैं, उनसे दो प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न था कि जो म्रियमान है यानी जो स्तर्पण थे उसको क्या करना चाहिए, और
फिर सब मनुष्य मात्र के लिए पूछा था कि हर एक प्राणी को क्या करना चाहिए, किनके विषय में सुनना चाहिए, किनके नाम का जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए और किसका भजन करना चाहिए, और यह भी पूछा था कि क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से पूछा था। तो अब द्वितीय स्कंद के प्रथम श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी अब कहना आरंभ करेंगे। श्री शुक उवाच वरीयाने शते प्रश्न कृतो लोक हितं नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्री सुखदेव जी ने कहा कि वरीयान एषते प्रश्नः, हमारे संस्कृति में हमारे धर्म में ऐसे है कि जब कोई विनम्रता के साथ और आदर के साथ जब भगवान के विषय में जब प्रश्न करता है तो उसकी बड़ी प्रशंसा की जाती है, हमेशा ही बड़ी प्रशंसा करते हैं। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वरीयान बहुत ही उत्तम वरीयान एषते प्रश्नः, हे राजन आपका जो यह प्रश्न है, जो प्राक है, यह वरीयान है, बहुत ही श्रेष्ठ है और इससे लोक का कल्याण होने वाला है। और उन्होंने कहा भी कि जो कुछ प्राणी भी कह सकता है, सुन सकता है, याद कर सकता है, उन सब में यह सबसे श्रेष्ठ है कि भगवान के विषय में प्रश्न किया जाए, भगवान के विषय में सुना जाए और भगवान को स्मरण किया जाए। ऐसे जो आत्मविद है, जो परमात्मा के जानने वाले जो महात्मा हैं, वे सब ऐसे कहते हैं। और फिर आगे कहा कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरी श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। कहा कि हे राजन इसीलिए क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठ चीज है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है कि प्राणी भगवान के विषय में सुने, तो इसलिए कहा कि इसलिए हे भारत वो जो सबकी आत्मा है, जो वे भगवान श्री हरि है, जो ईश्वर है, उनके ही विषय में श्रोतव्य सुनना चाहिए, उनके ही विषय में कीर्तन करना चाहिए और उनके ही विषय में स्मरण करना चाहिए, उनको ही याद करना चाहिए। एच्छता भयम्, जो अभय चाहते हैं, इस संसार में बहुत ही भय है, बहुत भय है, बहुत डर है, क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के दुख हैं, बहुत प्रकार के दुख को हमारे धर्म में इनको तीन वर्ग में कह दिया गया है, तीन कतहरी में, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। जो कुछ दुख में होता है अपने शरीर से, अपनी देह से या अपने मन से, उसको कहते हैं आध्यात्मिक दुख, जैसे कि बीमारी हो जाती है, चोट लग जाती है तो पीड़ा होती है और मन में व्याकुलता है, डर है, चिंता है, ये सब भी प्राणी को बहुत दुख देते हैं, तो इसे आध्यात्मिक दुख कहते हैं। और आधि भौतिक दुख है जब अन्य प्राणी हमें दुख देते हैं, जैसे कष्ट भी करते हैं, उससे भी प्राणी रात को सो नहीं पाते हैं, तो आधि भौतिक दुख है। और आधि दैविक दुख है कि जैसे कि बहुत ठंडा है या बहुत गर्मी है या स्टॉर्म हो रहा है इत्यादि इत्यादि, ये सब, या ग्रह के ओर से जब दुख होता है, इस सब को कहते हैं आधि भौतिक आधि दैविक दुख। तो इसलिए जो अभय चाहता है, जो इन दुखों से बचना चाहता है, उनको भगवान के विषय में उनकी कथाओं का श्रवण करना चाहिए, उनके विषय में सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। और फिर आगे कहते हैं कि एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसाम्
अंते नारायण स्थिति। कहा कि यही जन्म का सबसे बड़ा लाभ है, यानी फुलफिलिंग है फनत लेख कि प्राणी जिस किसी भी प्रकार से ज्ञान योग द्वारा या भक्ति योग द्वारा या अपने धर्म को अच्छे प्रकार से उसको उसका आचरण करके, जैसे कई लोग बहुत ही दान देना चाहते तो दान दीजिए इत्यादि इत्यादि, अपने अपने धर्म का पालन करने से प्राणी अपने आप को इस तरह से तैयार कर दे कि अंते नारायण स्मृति ही, कि अंत समय में भगवान का ही स्मृति रहे, अपने इष्ट देव को प्राणी को याद रहे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे प्राणी करता है वैसे ही परलोक में पाता है, वैसे ही गति मिलती है। जब प्राणी अच्छा करता है तो अच्छी गति को प्राप्त होता है, और जब प्राणी बुरा कार्य करता है तो उसको परलोक में यानी इस जीवन के बाद जब इस दुनिया से जाता है तो वहाँ पर भी दुख भोगना पड़ता है। लेकिन ये जो आँख में न कर्म का विधान है, इस पर एक अपवाद है, एक सौंदर्य है, या ऐसे कह लीजिए कि एक विशेष विधान है भगवान का, कि अंत समय में जिसको प्राणी स्मरण करता है, याद करता है, उसी के उसी भाव को वो प्राप्त होता है। भगवान ने भगवद गीता में कहा कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्तन्ते कलेवरम, कि जिस जिसको भी प्राणी याद करके और अपने शरीर को त्याग करता है उसी को वो प्राप्त होता है। कहते हैं भी कि यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की पूजा करते हैं वह देवता को प्राप्त होते हैं। जब इंद्र की पूजा करते हैं या वरुण के करते हैं या अच्छे प्रकार से पूजा की है तो उसी को प्राप्त करते हैं। तो यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता, ये पितरों की पूजा करते वे पितरों को प्राप्त करते हैं, और जो भूत का भूत और प्रेत की पूजा करते हैं वे भूत और प्रेत के पास जाते हैं। और भगवान कहते हैं यान्ति मत्याचिनो अभिमान, और जो मेरी पूजा करते हैं सदा मुझे ही याद करते हैं वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो अंत समय में यदि एक भक्त भी जा करके अपने अंतिम समय में भगवान को भुला करके और कुछ में अपना मन को लगा लेता है, तो उसको याद करके जब इस देह को छोड़ता है तो उसी के भाव को प्राप्त होता है। जैसे राजा भरत ने जंगल में जा करके और भगवान की बहुत वहाँ पर तपस्या की, लेकिन लास्ट डाक में एक हरिण के बच्चा में, एक हरते यौ में उसका मन बिल्कुल आसक्त हो गया कि मरते मरते उसी को याद किया और फिर जा करके अगले जीवन में एक हर्त हो गया। इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। कई लोग इस समय जा करके और हैस्तीर में हर्त हो जाते हैं। जो लोग हैस्तीर रखना चाहते हैं उनको जानना चाहिए, लेकिन हर्त तो नहीं होना चाहिए। मैं कुछ यूट्यूब में देख रहा था तो लोग अनजान के कारण, उनको पता नहीं है, तो जा करके लोग जब मरते हैं तो जा करके कुत्ता को दिखाते, वो कुत्ता के देखते देखते मर जाते हैं और बड़ी प्रशंसा करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। तो कुत्ता को बिलाली इत्यादि को जो रखना चाहे ठीक से रखे, लेकिन आसक्त न रहे, उसमें कह न हो, क्योंकि उसी को प्राणी को प्राप्त होना पड़ेगा। फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण को उन्होंने अपने पिता व्यासदेव से सीखा है, और उन्होंने कहा कि उसी श्रीमद् भागवत को मैं अब आपको हे राजन सुनाऊंगा, क्योंकि आप महाभागवत हैं, आप भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए मैं आपको यह श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाऊंगा। और उन्होंने यह भी कहा कि इस शास्त्र को जो श्रद्धा के साथ यानी विश्वास के साथ सुनेगा, उसको उसकी जो मति है, जो उसकी बुद्धि है, वह बहुत ही शुद्ध हो जाएगी और उसका मन जा करके और परमात्मा में लग जाएगा और परमात्मा के प्रति भक्ति उसमें आ जाएगी।
इस प्रकार से कहा। और फिर उन्होंने कहा कि हे राजन, आप चिंता न कीजिए कि आप सोच रहे होंगे शायद कि मुझे अब 7 ही दिन है, 7 दिन बाद तक्षक आकर के काट जाएगा और मुझे मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तो आपको चिंता नहीं होनी चाहिए कि मुझे बस केवल 7 ही दिन है, ऐसी चिंता नहीं करनी है आपको। क्योंकि उन्होंने कहा कि खत्वांगो नाम राजर्षि ज्ञातवेयताम इहायुष मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरि। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि एक राजा हुए थे जिनका नाम था खटवांग। देवताओं से उन्होंने ये सुना पूछने पर कि उनको केवल एक मुहूर्त यानी अख्तफियतमिनित और जीने के जीवन बचा था, अख्तफियतमिनित बाद उसकी मृत्यु हो जाती। तब वह खटवांग जो राजा थे उन्होंने उन अख्तफियतमिनित में ही अपने मन को पूर्ण रूप से संसार से हटा करके और भगवान में लगा दिया और गतवान अभयम हरिम और जा करके भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। तो एक प्रश्न था राजा परीक्षित के कि जो म्रियमान है, जो मरने वाला है, जो स्टैर्फन थे, उसको क्या करना चाहिए। तो उस पर उत्तर देते हैं कि अंतकाले तु पुरुष आगते गत साध्व सह छिंद्यात संग शस्त्रेन स्पृहां देहेनु येचतम। कहा कि जब अंतकाल प्राणी को का आ जाए तो उसको घबराना नहीं चाहिए, उसको डरना नहीं चाहिए। गत साध्व सह बिना घबराहट के उसको अपने मन को दुनिया से हटा लेना चाहिए और परमात्मा में लगा देना चाहिए। क्योंकि उस समय यदि प्राणी स्वयं न हटाएगा तो वह तो हटा दिया जाएगा, क्योंकि फिर प्राणी कुछ हाथ भी न हिला पाएगा, न पैर हिला पाएगा, न कुछ बोल पाएगा, न देख भी पाएगा, क्योंकि ये सब जो प्राण शक्ति जो शरीर में है वो सब निकल करके और सब सन से निकल करके अब जाने के लिए अब तैयार हो जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से अपने मन को दुनिया से हटाकर, तो उसका अर्थ नहीं है कि अब दुनिया के प्रति कठोर भाव हो जावे, ऐसे कोई जरूरत नहीं। जो अपने प्रिय है उनको भगवान को सौंप देना चाहिए, जैसे कि बाली ने कहा था, कर किया था। अब नाथ कही करुणा बिलो कहूं देहू जो बर मागहूं जेही जोनी जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागहूं। अभी यहाँ कथा आई है कि सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि एक खटवांग ऋषि हुए है, एक राजा राजर्षि जिनके पास केवल अख्तफियतमिनित एक मुहूर्त था। लेकिन आप देखिए बाली को शायद 3 मिनट रहा होगा, क्योंकि वह जा करके और सुग्रीव से लड़ाई की। उसकी जो पत्नी थी तारा ने तो सावधान किया था, लेकिन बाली ने सुग्रीव से लड़ने गए, फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने छिप करके और बाण मारा, हृदय में लगा। उसके बाद शायद 3 मिनट बाद, शायद 5 मिनट बाद उसके प्राण छूट गए होंगे। भगवान ने कहा कि जीवन दान दे दूं, कहा नहीं। तो उन्होंने क्या मांगा प्रभु से, देखिए यहाँ इससे इस प्रसंग से सीखना चाहिए। क्या मांगा? भगवान से जीवन नहीं मांगा, भगवान से स्वर्ग नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, केवल यही मांगा कि हे प्रभु, चाहे जहाँ मेरा जन्म हो मुझे आपके श्री चरणों में भक्ति हो, यह मांगा। तो देखिए पहले तो अपने जा करके भगवान की शरण ले ली। तो उसके बाद में क्या कहते हैं, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु दीजिए
गहि बाह सुर नर नाग आपन दास अंगद की जिये। फिर अपने पुत्र अंगद को, अपने प्रिय पुत्र अंगद को भगवान को सौंप दिया। तो यही प्राणी को करना चाहिए जो अपना प्रिय हो, उन सबको परमात्मा को, प्रभु को सौंप दे। तो इसी प्रकार से बाली ने जा करके और अपने प्रिय पुत्र अंगद को भगवान को सौंप दिया। तो इस प्रकार से दुनिया से अपने मन को हटाना चाहिए। तो ऐसे नहीं है कि प्राणी जब छोड़ के चला जाता है तो अपने हृदय को बिल्कुल पत्थर बना करके जाता है। नहीं नहीं, देखिए कई गुरु लोग हैं जो जाते हैं, उसके बाद में लोग कितना पूजा करते हैं अपने गुरुदेव के, तो पूजा करते रहते हैं। जब वे अपने हृदय को कठोर बना लेते कि अब मुझे इतनी बात में इज्तमा कर, तो लोग उनकी पूजा भी नहीं करते। भगवान की भक्ति में किसी प्रकार की कठोरता नहीं है। इतना ही है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो उनके साथ उनके पथ पर नहीं जाते, उनके प्रति उदासीन रहते हैं, उनके प्रति भी कहते हैं भगवान कल्याण करे और अपना रास्ता जाता है। लेकिन जो उनके साथ इस पथ पे जो चलता है, तो उनका भी कर्तव्य बनता है कि जो उनका अनुकरण करता है, फॉलो करता है, कि जब भगवान तक वह स्वयं पहुंच गया तो वो तब वहाँ पर रह करके, तो वहाँ से वह पूरा प्रयत्न करता है कि जिन लोगों ने उनका अनुकरण किया कि वे भी परमात्मा तक पहुँच जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बाली ने अपने मन को दुनिया से हटा करके भगवान की शरण में गई, शरण दी, और फिर अपने पुत्र को भी भगवान को सौंप दिया। और क्या हुआ कि मृत्यु जब हुई तो कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, कि सुमन मान जिमी कंठ थे गिरत न जानई नाग, कि जैसे हाथी के गले से एक फूल की माला सरक जाए तो उसको पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार से भगवान के शरण लेने से बाली को कुछ भी मृत्यु की पीड़ा नहीं हुई। और राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। फिर वह जा करके भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से मरना चाहिए, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया और जा करके भगवान की कृपा से भगवान को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से बाली ने भी, वो तो शायद मेरे अनुमान में शायद 3 मिनट 8 मिनट ऐसे कुछ केवल मिला होगा, और उतने में अपना काम बना लिया। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने बताया राजा परीक्षित से कि मृत्यु आ जाने पर घबराना नहीं चाहिए, अपने मन को भगवान में लगा देना चाहिए। इस प्रकार से तो अब भगवान, अब सुखदेव गोस्वामी ने अब राजा परीक्षित से बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान पर ध्यान करना चाहिए, किस प्रकार से अपना भाव बनाना चाहिए। तो पहले वो बताते हैं कि जो जो कुछ भी हम देखते हैं ये सब भगवान का ही रूप है। तो पहले बताएंगे बाहर जो कुछ हम देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, उनमें भगवान का अनुभव करना, भगवान को अर्पण करना और खुद भविष्य रहना सब कुछ देखते हुए। तब ये कहते हैं, अब बताएंगे कि किस प्रकार से भगवान को विश्व रूप में ध्यान करना चाहिए, यानी भगवान के जो विराट रूप है जिसमें 14 भुवन जो 14 लोक में है, 13 लोक वेरलदन एक ब्रह्मांड में है, किस प्रकार से भगवान के रूप में उनका ध्यान करना चाहिए ये बताएंगे। पाताल में तस्य हि पाद मूलम, पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम, महातलम विश्वसि ज्योत गुफौ,
तलातलं वै पुरुषस्य जंघे। तो देखिए 14 लोक है, तो पृथ्वी लोक के जो नीचे आकाश में है, न कि पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी लोक के भीतर में, लेकिन अब पृथ्वी लोक तो आकाश में घूम रही है, तो उसके जो नीचे देखेंगे तो 7 लोक नीचे में है। तब कहते हैं कि उन 7 लोकों के को भगवान के रूप में कहाँ पर उसका भाव रखना, कहाँ पर ध्यान रखना। अब बताते हैं कि इस प्रकार से मानना कि जो पाताल है वह भगवान के फुटसोल है, और कहा कि भगवान के जो जो रसातल है वह भगवान के हील और फुट के ब्रीफ है। जब यह फुट हो तो इसको कहते हैं ब्रीफ। तो ब्रीफ और हील में वहां पर ध्यान करें, भाव रखें कि वहां पर रसातल है। और कहते हैं कि महातल को कहते हैं कि वह भगवान की जो फुट के बोफ, जो एक बोथ है, एक नोबल है, एक बोथ है, वहां पर भक्त लोग यह भावना करते हैं कि वहां पर महातल, भगवान के उस स्थान में महातल है। और तलातल के क्या ध्यान करते हैं कि भगवान के कैतर में तलातल है, द फीर द पाताल। और आगे भी कहते हैं कि द्वे जानुनी सुतलं विश्वमूर्ते उरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जगनं महीपते नभस्तलं नाभिसरो कृणन्ति। और कहते हैं कि जो कृम है वहां पर भाव करते हैं कि वहां पर सुतल है, और जो भगवान के दैय है, दोनों दैय में कल्पना करते हैं कि वहां पर वितल और अतल है, ये दो जो नीचे के लोग हैं। तो ये जो 7 पाताल है ये एक प्रकार से स्वर्ग ही है, वहां पर नाग लोग भी रहते हैं। तो पृथ्वी से यदि देखा जाए तो जो नीचे आकाश में जो लोग स्थित है उसको कहते हैं पाताल। तो 7 है यानी पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल और अतल। तो पाताल के कहते हैं कि फुटसोल में है, रसातल हील और ब्रीफ में है, और महातल जो फुट के ऊपर जो एक बोथ है बगले में, वहां पर ध्यान करते हैं कि महातल है, कैतर में तलातल है, क्रिय में सुतल है, और दैय में वितल और अतल। और फिर ध्यान करते हैं कि भगवान के हिप में वहां पर पृथ्वी स्थित है, और नाफल में भगवान के वहां पर भुवर लोक है, यानी जो अंतरिक्ष है, जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में उसको अंतरिक्ष कहते हैं, उसको भुवर लोक कहते हैं, और वहां पर पितृलोक है, और वहां पर नरक इत्यादि भी है। तो वहां पर कल्पना करते ही, ध्यान करते ही कि वह भगवान के नाभि में, नाफल में है। और फिर स्वर्ग लोक को कहते हैं कि वह भगवान के यहां पर है, हॉर्स क्रीक में है। और उनके जो अब हो गया भूर लोक यानी पृथ्वी, भुवर लोक यानी अंतरिक्ष, और स्वर्ग लोक यहां पर देवता लोक रहते हैं। तो वहां आ गया, और उसके ऊपर अब 4 लोक और हैं, उसको 4 ब्रह्म लोक कहते हैं, क्योंकि वहां पर भी आयु उतनी लंबी होती है जैसे ब्रह्म लोक में। तब वो महर लोक है, तो कहते हैं कि यहां पर ये महर लोक। और फिर जल लोक है, यहां मुख में जल लोक। फिर तपोलोक है ललाट में, यहां पर तपोलोक भगवान के जो विश्व रूप है, जो विराट रूप है, और यहां पर उसको सत्य लोक। इस प्रकार से भगवान में ही समस्त लोक को देखते हैं। इस प्रकार से क्योंकि जब हम भगवान के जब हम रूप में उनकी पूजा करें तो सदा हमेशा ही यह भावना होनी चाहिए, यह भाव बना रहना चाहिए कि भगवान अलौकिक वो दखे और दखे, जब समस्त ब्रह्मांड उन भगवान की जो मूर्ति में जिसमें उनकी पूजा करते हैं
कि उसी मूर्ति में ये 14 भुवन जो है, ये 14 लोक जो है, भगवान के उस रूप में देखना चाहिए। तो इस प्रकार से प्राणी का भाव बनता है कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, तो उस तरह से करना चाहिए। यह बात रामायण में भी आई है, वह लंका कांड में जहां पर मंदोदरी रावण को समझा रही है, वहां पर वह कहती है कि पद पाताल शीस अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा। यहां भी कहा कि भगवान जो श्री रामचंद्र जी है, उनके चरण वहां पर पाताल है और उनके शीश में यहां पर ब्रह्मलोक है और बीच में अंग अंग में जो बाकी जो 12 लोक है, क्योंकि 14 लोक है इन टोटल, वे सब बीच में अंग अंग में स्थित है। तो इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा बताती हुई मंदोदरी ने लंका कांड में कही थी। तो भगवान के जो भी अन्य रूप है, अब जिस रूप का भी हम पूजन करें, श्री रामचंद्र जी की हम पूजा करें, भक्ति करें, या श्री कृष्ण भगवान की, या नारायण भगवान की, या गणेश भगवान की, या दुर्गा माता की, या शिव भगवान की, किसी भी रूप जो भगवान का है, जब यदि हम उनकी पूजा करें, तो इस यह भाव हमारे में बना रहे कि भगवान की जो हम मूर्ति देखते हैं, ये 14 भुवन जो है, ये फिर 3 लोक जो है, ब्रह्मांड भर में वह सब हमारे प्रभु में समाये हुए हैं, सब भगवान के एक अंग अंग में, कि जिससे ये भाव बने कि भगवान यहाँ तक सीमित नहीं है, भगवान अनंत है, समस्त ब्रह्मांड ही भगवान में समाया हुआ है। तो इस बात को आप सब पुराणों में पाएंगे। इसी तरह से गणेश पुराण में भी बताया गया है कि जब गणेश भगवान ने नरांतक को मारने गया, अब वो लास्ट मोमेंट पे, तो उससे पहले उन्होंने भी अपना विराट रूप दिखाया। विनायकम विराट रूपम गगनोध्वगमस्तकम पाताल व्याप्त चरणम दृक्श्रोत्रम वृक्षरोमकम। उस समय भगवान ने रूप भी दिखाया कि उनका सिर जो है वो आकाश के अंत तक छू रहा है और उनका जो चरण है वो पाताल में स्थित है और सब दिशाएं जो है उनके कान है और जो पेड़ है वे उनके देख के वे रोम है, यानी जो हारे है और पतलिका। भ्रमत ब्रह्मांड रोमांचम पयोधि श्रम बिंदुकम नखाग्रेयस्य देवानां भांति त्रिंशत् त्रिकोटयः। और उनके जो पोरी है, मेरे फोर्ट में पोरी बोलते हैं, एंकर फोर्ट में पोरी, हर एक पोरी में एक एक ब्रह्मांड उसमें घूम रहा है इस प्रकार से। और जो ओशियाना है वे भगवान के श्रम बिंदु है, यानी स्वेत्र पक्षी। और नख के अग्रभाग में, नाखल के पिंत में जो 33 कोटि जो द्रियन देवता का तुखरी देवता से वे सब स्थित है। तो इसी प्रकार से भगवान के हर रूप में यह भाव करना चाहिए। मूर्ति की पूजा करें तो उसमें भी उसी मूर्ति में वे देखें कि जहाँ भगवान के चरण है वो पाताल है, जहाँ सिर है वहाँ पर ब्रह्मलोक है और बीच में समस्त ब्रह्मांड उसमें समाये हुए हैं इस प्रकार से। तो आगे और भाव बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, कहते हैं कि भक्त ऐसा भाव रखते हैं कि जब रात्रि होती है तो वो विराट भगवान के मानते हैं कि आँखों की पलक को नीचे किया, ओखले इतना बनी गए, और दिन है तो उन्होंने खोला। इस प्रकार से जो कुछ हम देखते हैं बाहर में भी उसको भी अपने प्रभु से जोड़ देते हैं। और क्या कहते हैं कि कुक्षी समुद्रा, जो समुद्र है वह भगवान का पेट है, और गिरयो स्थि संघा, और जितने भी गिरी है यानी पहाड़ है
वह भगवान की अस्थि समूह है यानी हड्डियां हैं। तो पहाड़ को देखे तब भक्त का ऐसे भाव होता है कि विराट प्रभु के, मेरे प्रभु के हड्डियां हैं। इस प्रकार से नद्योस्य नाद्योथ, कि जो नदियां हैं, जो रिफीर हैं, वो सब भगवान के ब्लुत्फातस्य औषधि। इस प्रकार से और श्वसितम मातरिष्मा, और जो हवा है वो भगवान के आदम हादि है। और ईशस्य केशान विदुर अंबुवाहान, और जो दंकर वल्क है, जब देखते हैं तो भक्त ऐसी भावना करते हैं कि भगवान के केश है, सिर के बाल है। इस प्रकार से रामायण में भी आया है यही बात। मारुत श्वास यानी हवा भगवान की श्वास है। निगम निज बानी, और भगवान की जो बानी है, जो बोली है, वह वेद है। वही प्रसंग में है जहां पर मंदोदरी रावण को समझा रही है। तो आगे भी उन्होंने भी कहा कि अस्थि शैल, जितने भी शैल है यानी पहाड़ है, तो भगवान की हड्डियां हैं। और सरिता न सजारा, जितने भी सरिताएं हैं, जो रिफीर है, वह सब नस के जाल है, वह सब आदर है प्रभु के। तो इस प्रकार से जो भक्त लोग होते हैं, वे हर कुछ जो वे देखते हैं नतीर में, वे सबको अपने प्रभु से जोड़ते हैं और अपने प्रभु में समस्त ब्रह्मांड को देखते हैं। और एक ही ब्रह्मांड नहीं है, एक यूनिवर्सिव अनंत ब्रह्मांड है, और अनंत ऑन एंड फील ब्रह्मा विष्णु और शिव है। एक ब्रह्मांड का नाश होता है, दूसर बनता है, लेकिन हर एक समय ऑफ एलेक्ट्रिक मोमेंट ऑन एंड फील यूनिवर्सिव से ऑन एंड फील ब्रह्मा है, ऑन एंड फील विष्णु है, ऑन एंड फील शिव है। और जिस पूर्ण फॉर्म से सब विष्णु रूप हर एक ब्रह्मांड में है, उसको कहते हैं नारायण। और जिस पूर्ण फॉर्म से हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, उसको कहते हैं परमेष्ठी। और जिस पूर्ण फॉर्म से हर एक ब्रह्मांड में एक शिव एक रुद्र है, उसको सदाशिव कहते हैं। तो यहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी ने बाहर का ध्यान बताया परीक्षित से, कि कैसे ये बाहर के जो जगत है, ये जो सारा ब्रह्मांड है जिसमें 14 भुवन है, फिर 3 लोक है, कैसे उन सब को भगवान के भीतर में ही देखें, विराट भगवान के भीतर में देखें। अब जाकर के अब उनको और अन्य प्रकार का अब ध्यान सिखाएंगे, अब बताएंगे कि अपने भीतर में भगवान का कैसे किस प्रकार से ध्यान करें। केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कंजरथांग शंख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। अब बताते हैं कि भक्त भी ध्यान करते हैं भगवान को अपने हृदय, अपने हाथ के भीतर में, वहां पर भगवान का ध्यान करते हैं। और वहां पर कैसे कहते हैं कि प्रादेश मात्रम, एक छोटा से भगवान का रूप है, प्रादेश जो है उसकी जो नाप है वो इतना है, दर्द से लेकर के जो वेज फिंगर तक जहां तक आप नाप सके, उस अवस्था को कहते प्रादेश। तो उस प्रकार से अपने हृदय में ध्यान करते हैं। और जो नारायण के भक्त हैं वे जैसे यहाँ पर श्लोक में उस प्रकार से ध्यान करेंगे, और जो शिव के भक्त हैं शिव के रूप में, जो श्री रामचंद्र जी के, वे सदा ही भगवान को 2 हाथ है, धनुष बाण है प्रभु के हाथ में, और जो श्री कृष्ण भगवान को तो हमेशा उनके साथ बांसुरी भी है इत्यादि, सब अपने अपने इष्ट को जिस रूप में जानते हैं उस रूप में ध्यान करें। लेकिन यहाँ पर श्लोक में बताया है कि चतुर्भुज भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, जिनके हाथ में कंज है यानी लोटस ब्लूम है, रथ यानी चक्र के
ये कहते हैं शंख और गदा धारण किए हुए हैं। प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम, भगवान का मुख बहुत ही प्रसन्न है, उनकी आंखें बहुत है, जिसे उपखब्रुदलोत से खूब बड़ा बड़े बड़ी आंखें हैं प्रभु के। कदम्ब किंजल कपि शंख वाससम, और उन्होंने खेल कपड़ा को धारण किए हुए हैं, जैसे ब्लूम में आप देखेंगे भीतर में जो व्यथ है खेल स्टेल जो है, उस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि उस प्रकार से खेल पहने हुए हैं। और भगवान ने भी कई प्रकार के गहने को पहने हुए हैं, कुंडल पहने हैं और किरीट है यानी क्रोन है सब सोना के, और अंगत है यानी जो यहाँ पर जो जो सीरा थे जो पहनते हैं, और फिर भगवान के अंगुलियों में भी अंगूठी इत्यादि है, नूपुर है, एंकल सीरा थे, ऐसे ऐसे इस प्रकार से लोग भगवान पर ध्यान करते हैं। और बताया कि इस प्रकार से मतलब ध्यान करना चाहिए। और श्री सुखदेव गोस्वामी भी आगे बताते हैं कि भगवान के चरण से लेकर के उनका ध्यान करें, फिर चरण से वहाँ फुतह है भगवान का उसका ध्यान करें, फिर वहाँ से जब ध्यान लग जाए और ठीक से वहाँ पर भगवान के चरण को हम ध्यान में देख पावे तो फिर थोड़ा और ऊपर जावे, अब भगवान के क्रिया तक अब देखें कितना सुंदर है प्रभु, फिर भगवान के कवर तक देखें, फिर भगवान के रौंप देखें, फिर भगवान के हाथ देखें, दो हाथ है धनुष बाण धारण किए हुए हैं, फिर भगवान के मुख देखें बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही सुंदर देख रहे हैं, भगवान के कान में कैसे कुंडल है, भगवान के सिर पर किरीट है यानी मुकुट है सोना के। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इस प्रकार से भगवान को ध्यान करना चाहिए अपने हृदय में, तो इसको इस बात को बताया। और अब बताते हैं भी कि एक सज्जा मुक्ति है और एक क्रम मुक्ति है, उन्होंने यहां पर भी बताते हैं योगी लोग के लिए। तो वैसे जो भक्त है वे तो केवल अपने प्रभु को जानते हैं, वे जब जाएंगे तो भगवान के नाम का स्मरण करते रहेंगे और जहाँ तक बस चले तहाँ भगवान को अपने आँखों के सामने ध्यान में देखेंगे। देखिए जब प्राणी की मृत्यु होती है तब मृत्यु से पहले योग वशिष्ठ में बहुत बार समझाया गया है इस बात को, पहले उससे पहले तब मृत्यु मूर्छा होती है, जैसे कि कोमा में प्राणी चल जाता है तब वहाँ पर वो त्रांसिच्ची प्लास्पिंद होता है, फिर प्राणी जब जगता है तो फिर अन्य लोक में अपने को पाता है, यदि स्वर्ग जाना है तो वहाँ पर अपने को पाएगा और नरक जाना है तो यमदूत इत्यादि को देखेगा। यदि भगवान, लेकिन जो भक्त भगवान के लोग जाते हैं तो उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं, भगवान के वैकुंठ धाम से या साकेत धाम से। लेकिन और भी साधक होते हैं जो योग के अभ्यास करते हैं और उस प्रकार से भगवान की भक्ति नहीं करते, वे अपने बल पे जाना चाहते हैं, तो उनके विषय में बताते हैं। और कोई कोई यह भी जानना उतना स्वार्थवित नहीं है, कई भक्त हैं भी जो योग के अभ्यास करते हैं, कई भक्त होते हैं जो महान ज्ञानी भी होते हैं जैसे सुखदेव गोस्वामी, तो लेकिन यहाँ अब बात है उनके भी जो योग के अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वे जा करके, क्योंकि पूछा था भी मृत्यु के विषय में जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए, तो बताते हैं वो जा करके और बैठ जाए स्थिर से, और फिर अपने जो बैरफलकुलम के जो बासस में है वहाँ पर मूलाधार चक्र है, इसी प्रकार बताया गया है मूलाधार चक्र से सुषुम्ना नाड़ी में बैरफलकुलम में उसे ले जा करके और स्वाधिष्ठान चक्र में ले जावे प्राण शक्ति को, फिर वहाँ से ऊपर उठा करके जो तरहोक्त फंड नाफल इन द बैरफल कुलम है वहाँ पर मणिपुर चक्र है, वहाँ पर प्राण शक्ति को ले जावे, फिर वहाँ से उठा करके तरहोक्त फंड हार्थ इन द बैरफल कुलम वहाँ पर चक्र है, वहाँ पर भी जा करके और वहाँ ले जा करके फिर ऊपर ले जावे नेक में अंत अस्त्रकांत, और फिर वहाँ से ले जा करके तुष्ट बैंक ब्रव
बीच में, सिर के बीच में। अब मान लीजिए आप यहाँ से एक लाइन नीचे करें और यहाँ से एक लाइन ऐसे करें, तो जो स्नेपन पेन इन थूफ थे वहाँ पर आज्ञा चक्र। तो यहाँ पर बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि वहाँ पर जिनको कहते हैं कि देखिए, इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंध में हम लोगों ने पढ़ा है कि किस प्रकार से भीष्म पितामह ने अपने शरीर को त्यागा। फिर भीष्म पितामह कहूँ नहीं गई, वैकुंठ इत्यादि नहीं गई, वे जा करके और फॉरम लूज होकर के और नैंदक फॉरम लूज में समा गई। उसको कहते हैं विदेह मुक्ति। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो उस लायक है वह आज्ञा चक्र से फिर यहाँ पर ले जा करके अपनी प्राण शक्ति को करें और इंद्रिय शक्ति इत्यादि को छोड़ करके प्रकृति में और वहाँ से जा करके भगवान में विलीन हो जाए। और जिनको जाना है, ब्रह्मलोक जाना है या कहूँ जाना है, तो वो आज्ञा चक्र में रहे और फिर उनकी मृत्यु होती है तब वे अग्नि लोग जाते हैं। ये भक्त की बात नहीं है, भक्त के लिए तो भगवान उनके देखभाल करते हैं, वे अग्नि लोग जाते हैं और वहाँ जो और मल है वह सब नष्ट हो जाता है। फिर एक तारा में जाते हैं, तारे में एक सैर में, उसको शिशुमार चक्र कहते हैं, और वहाँ से अकेला ही जाता है महर्लोक। और ऐसे ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक चार हैं, महर्लोक है, जनलोक है, तपोलोक है, तब सत्यलोक है, तब महर्लोक पहुँच जाता है। तो वहाँ पर वे लोग आगे साधना करते हैं और फिर जब ब्रह्मा जी के दिन जब समाप्त होता है और तीनों लोक का जब नाश होता है, तब महर्लोक में भी बहुत ही आँच आ जाती है, वो जो जल रहा है सब, तो वहाँ से वे लोग चल जाते ब्रह्मलोक। तब ब्रह्मलोक में जा करके और वहाँ पर वे लोग जो है, जब महाप्रलय होता है तो ब्रह्मा जी के साथ भी वे लोग समा जाते हैं। इस प्रकार से बताया गया है। और आगे में फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कई लोग जिनके बहुत से दुनिया की इच्छाएं हैं, तो वे कई कई प्रकार की देवता की पूजा करते हैं। जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वो इंद्र, वरुण इत्यादि देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। ऐसे ऐसे बताया, जो सौंदर्य चाहते हैं तो गंधर्व का, ऐसे ऐसे। और फिर वे बताते हैं कि अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जगेत पुरुषम परम। कि अन्य अन्य देवता लोक के छोटे मोटे देवता लोक की भक्ति न करके यदि प्राणी में इच्छा भी हो दुनिया में कि उसको धन दौलत हो, सुंदर हो इत्यादि इत्यादि हो, ये सब चीजें पाने की इच्छा हो, तब भी परमात्मा प्रभु की ही शरण में जाए। छोटे मोटे देवता लोग के पास उनकी भक्ति करने कोई जरूरत नहीं। यहाँ कहते हैं कि जो सर्व कामों, जो सब प्रकार की जिनकी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वे भी भगवान ईश्वर की का ही भजन करें और उनसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति यानी द फुलफिलिंग फॉर वेल से प्राप्त करें। छोटे मोटे देवता यहाँ पितृ के, वहाँ पर वरुण के या तो इंद्र के या तो किसी के, उनको छोड़ करके और जा करके भगवान के प्रति जो पुरुषम परम है, जो परमात्मा है, परमात्मा के ही शरण में जावे और उनकी भक्ति करें और उनसे प्राप्त करें। और जो मोक्ष काम है, जो इस दुनिया से जा करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको तो वैसे ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब यहाँ तक तो ये कथा जो है, ये सूत जी, उग्र श्रवा सूत जी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को, अस्तंतास्तक दहिसंत ऋषि लोग को सुना रहे हैं। और सूत जी बताते हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित से क्या कह रहे हैं। तो अब यहाँ पर शौनक ऋषि ने सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप कितने सुंदर कथा आप हम लोगों को सुना रहे हैं। और वो भी बिल्कुल अंतशास्त हो गया, श्री शौनक ऋषि महान ऋषि है, महान ऋषि है, लेकिन पुराण का उनको जानकारी नहीं थी,
तो इसलिए सूत जी से सुनते हैं, लेकिन स्वयं महान है। तो भगवान की कथा सुन करके और शौनक जी भी बहुत ही अंतुशास्त्र जाते हैं और कहते हैं कि बिले बतोर क्रम विक्रमांगे नजिंबत कर्ण पुटे नरस्य जिह्वा सती दादुरिके वसूत न चोपगायंतुर्गाय गाथा। अब शौनक ऋषि अब कहते हैं कि हे सूत जी, जो प्राणी अपने कान से और भगवान की कथाओं को नहीं सुनते हैं, उनका जो कान है वो मानो एक बिल है जहाँ पर सांप रहते हैं, बिच्छू रहते हैं इत्यादि। और कहते हैं कि जिस जीव से प्राणी भगवान का कीर्तन नहीं करता है, भगवान का गुणगान नहीं करता है, वह जीव जो है वह एक मेघा के जीव के समान है। मतलब वह थर थर करता है लेकिन निरर्थक है। इस प्रकार से इसी बात को मान लीजिए जो यहाँ पर कहा गया है, इसको भी गोस्वामी जी ने भी कहा कि जिन्हा हरी कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनता है, उसका कान जो है वह सांप के बिल के समान है। और उन्होंने भी कहा कि जो भगवान के गुणगान नहीं करते, उनकी जो जीभ है वो मेघा के जीभ के समान है। और यहाँ पर आगे भी कहते हैं शौनक ऋषि कि जिस हाथ से भगवान की पूजा नहीं होती, वह हाथ तो चाहे भले ही उसमें सोना का कंगन हो, फिर भी वह हाथ एक शव के हाथ के समान है, मानो एक लयिक के हाथ है। और कहा कि जिस पैर से चल करके, बेइन से चल करके और प्राणी भगवान के तीर्थ यात्रा नहीं करता, भगवान के मंदिर नहीं जाता, वो जो पैर है, जो बेइन है, वो मानो पेड़ है। इस प्रकार से। और कहा कि जो आंखें भगवान की मूर्ति का दर्शन नहीं करता, वह आंख मानो मोर के पंख में, जो पौ के फेर में जो दिख रहा है जो आंखें, उसी उन आंखों के समान है, मतलब व्यर्थ ही है। तो आप सोचेंगे कि अच्छा अच्छा ऋषि लोग मानते हैं, शौनक मानते हैं, सांभवी वक्वीश, लेकिन याद रहे ब्रह्मा जी विधान को बनाते हैं कर्म के विधान, और ये महान महान ऋषि लोग भी ये कर्म के विधान बनाते हैं, ये भी विधान बना देते हैं। और ये लोग यहाँ पर कहते हैं, कितना धिक्कारते हैं। तो प्राणी को समझ लेना चाहिए कि हर एक प्रकार से भगवान को मतलब सदा ही उनका अपने कान को सार्थक बनाने के लिए भगवान की कथा सुनना चाहिए, जीभ को सार्थक बनाने के लिए भगवान का कीर्तन उनका भजन करना चाहिए, पैर को सार्थक बनाने के लिए भगवान के मंदिर जाना चाहिए, भगवान के तीर्थ स्थान जाना चाहिए। इस प्रकार से जानना चाहिए। और यह भी बताया कि तत् अश्मसारम हृदयम, उसका हृदय तो मानो लोहा के बना हुआ है। जो भगवान के पवित्र कथा सुनकर, भगवान के नाम का संकीर्तन सुनकर जो पिघल नहीं जाता है, जो स्मेल्ट नहीं हो जाता है, जिनके आंखों में आंसू नहीं आ जाते, तो याद रखें कि जब तक प्राणी भगवान के लिए अपने हृदय को बिल्कुल खोल करके और एकांत में नहीं रोता है, तब तक भगवान उसके प्रति भी पिघलता नहीं है प्रभु। और सबके सामने तो नहीं करना चाहिए, लेकिन एकांत में यदि रहे और भगवान के प्रति भाव आ जावे, तो भाव में आप मिल जाइए, उसके साथ बह जाइए और भगवान के लिए आंसू गिरावे, भगवान के लिए रोवे प्रेम में, तो भगवान भी हमारे लिए भी रोएंगे और हमारे लिए भी स्नान करेंगे प्रभु। अब यहाँ तक हम लोगों ने तीसरे अध्याय तक पढ़ाई की है। अब पहले भगवान के पवित्र नाम का हम अब उच्चारण कर लें। श्री राम जय राम,
जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आप लोगों ने जो शांत भाव से कथा को श्रवण किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम नमो नारायण।